लोग रैंकिंग कर रहे हैं। रैंकिंग में आपको एक मेथड हमने पहले बताया है जो प्रीवियस वीडियो में है, वो एक बार आप देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप बिना पेन का रैंकिंग कैसे बनाएं। पहले एक मैनुअल मेथड बनाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसको एग्जाम हॉल में आपको कोशिश करना है कि बिना पेन और पेंसिल का सॉल्व करें। अब देखिए, इसको इंटरचेंज मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन आप देखें, यहाँ बताया जा रहा है कि पी इज 12 फ्रॉम लेफ्ट, आर इज 17 फ्रॉम राइट, इफ दे इंटरचेंज। तो अगर इंटरचेंज शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो P का पोजीशन 14th हो जाता है लेफ्ट से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको मैनुअल मेथड देखते हैं। पहले आप P लिख दीजिए, और P के बारे जो कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए 12 लेफ्ट से, वो हमने लिख दिया। R के बारे 17th कहा गया है राइट से, वो हमने लिख दिया। और जैसे ही इंटरचेंज शब्द का प्रयोग हो रहा है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये चेंज कर देना। देखिए, जैसे मैंने चेंज किया, R यहाँ पर आ गया और P यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए आगे किसके बारे बोला गया है, P के बारे। P becomes 14, अभी P ये है, तो P becomes 14 हो गया। देखिए ऐसे, और ये लेफ्ट से है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब दोनों स्टूडेंट का एक साथ रैंक मिल जाए, तो दोनों को जोड़ करके -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, 31 - 1, सो द आंसर कम्स 30 आगे आंसर। लेकिन इसी को इस मैनुअल मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, एकदम सिंपल सा तरीका है, ट्रिक सही है। अब इसमें क्या करना है आपको, जब क्वेश्चन में इंटरचेंज हो तो आप सीधा क्वेश्चन में अंतिम चीज को देखिए, यहाँ पर जिसका यूज हुआ है, देखिए पी का यूज है ना, तो पी का यूज है, पी बिकम्स 14 हो गया। तो आप यहाँ से पी बिकम्स 14, तो यहाँ से 14 ले लीजिए। जैसा इंटरचेंज में आपको पता है कि स्थान बदला जाता है, तो अगर यहाँ पर पी है तो ऊपर में कोई दूसरा व्यक्ति जो है, इसे इसके ऊपर में क्या है, तो पी तो यहाँ था ही, पी यहाँ भी है, तो यहाँ से अगर पी ले तो ऊपर से पी को नहीं लेना, वहां पर दूसरे को लेना। तो पी यहाँ से ले लिए 14, और यहाँ से आर का 17, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 17 + 14 31 - 1 आंसर कम्स 30। ये एक ट्रिक्स है, और ट्रिक्स पर सारी रीजनिंग आपको मिलेगी। आप हमारे सारे वीडियो के लिए विनय जाइए अकेडमी के वीडियो को आप हमेशा सब्सक्राइब करें।